अमेज़न से सर एंजू सर 100 चालू तो होगा नहीं ना है अच्छा, उसको ऐसे लगा दो ना घर हो जाएगी। मिक्सर में लगा के चला के देखो ना, देखना है तो। स्टील जार नहीं दिया है तो प्लास्टिक जार जूसर के लिए ही होगा। गच्चा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वाति सारांश व्लॉग्स। तो क्या लेकर आए हो आज स्पेशल, बताओ जरा। ये मैं एक लेके आई हूँ, एक नन्ही परी। नन्ही परी, ओ माय गॉड, क्या है इसमें? मिक्सर। इसके अंदर है हमारा जूसर एंड मिक्सर अमेज़न से। हाँ हाँ भाई, इधर साइड में चलो। ओपन इट यू वांट बेटा, ऐसे करके खोल बिना दांतों की मदद के। इस साइड से ये उल्टा रखा था दिन से। कहाँ से सीधा? पेस्टीज, 100 वॉट मिक्सर एंड जूसर। 100 वॉट, 1000 वॉट। ये कितना शानदार है। ओ मेरी आंखें। तो ये तो आया ये हमारा मेन मशीन। मशीन धासू। चालू तो होगा नहीं? चालू होगा, क्यों नहीं होगा। भारी है, ओल्ड फैशन सा ही है यार। और क्या क्या आया पिटारे में? क्या क्या निकला इसमें? कंटी से का ढक्कन क्यों नहीं लगा? इसका नहीं होगा, इसी का। ये देखिए, एक तो आया ये चटनी जार। चटनी जार यार, ये तो मेरे को चाहिए था। वही लग नहीं रहा ये। लगेगा? ये है ही नहीं इसका ना। ये लगेगा कैसे मगर? इसका होगा ये। बना के इसी में चटनी बना के रख दो। हैं? ये तो बढ़िया है। इसका है ना ये। मगर बनाएंगे कैसे? इसको ऐसे लगाएंगे। धनिया धनिया का रखेंगे? इसके अंदर डालना है। इसको ऐसे कसना है। अच्छा। इसको ऐसे लगा देना, घर हो जाएगी। अच्छा। और इसी का इसका कवर है। मेरे पास एक महाराजा व्हाइट लाइन का था। बहुत चला वो भी। वो भी बहुत चला मासा, वो 500। ये क्या चीज है? आटा गूंदने का? नहीं, ब्लेड है इसमें। तो ये आटा गूंदने के लिए। और यार इसका ये तो बहुत मस्त है रखा। प्लेट चल नहीं रही लेकिन ये क्यों नहीं चलेगा यार? क्यों डरा रहे हो? नया है भाई, इन्होंने लॉक किया हुआ है क्या? नहीं देखो, फ्री घूम रहा है। अरे नहीं, चलने लगेगा यार। मिक्सर में लगा के चला के देखो ना, देखना है तो। ये बात भी सही है, इसको ऐसे रख देते हैं। लो। ये जूसर वाला है क्या? नहीं ये तो कट। ये रहा? नहीं इसका ही। मैनुअल आया होगा ना पढ़ने को? पहले आप देखो इसमें क्या। कैसे लॉक भी हो जाता है इसका? जार क्या है इसमें? दिखता रहेगा है ना? कितने जार का सेट है इसमें? वो चॉपर है पता है? हाँ चॉपर है। ये है जूसर, ये मेजरमेंट कप। और ये रहा जूसर। ये मेजरमेंट कप के अंदर इन्होंने छेद क्यों कर दिया? मेजरमेंट, ये देखो ये जूसर है। ये है तो बड़ा नकली जूसर, नकली लेकिन काम सही करता है। ये यूज करके देखेंगे तभी तो पता पड़ेगा नकली है कि सही। साफ कैसे हो गए? निकलेगा ही नहीं क्या ये? ये लो इसका। नहीं निकलता तो होगा। अच्छा ये क्या है ना, लॉक हो गया। ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ये है क्या इसका? और यही जार है इसका? नहीं जार अलग होगा। नहीं इसी जार में आप अपना नॉर्मल करना है। अच्छा। और इसी जार के अंदर आप जूसर भी कर सकते हैं। स्टील जार नहीं दिया है तो प्लास्टिक जार जूसर के लिए ही होगा। और ये इसका, हाँ इसी पे है। छोड़ो, फ्रूट डालने के बाद ना इसको ऐसे कर दो और फिर ऐसे करके निकालो तो इसमें से जूस निकल जाएगा। है तो ऐसे ही कुछ भाई, सही बता रही लड़की। इसमें क्या निकलने वाला है? 6000 का वादा किया था इन्होंने। 6000 का वादा? और स्टील के भी निकल गए भाई साहब। बोल रही हूँ ना। अरे वाह, पहले ही कहा था।
अरे वाह देखिए ओए मेरी उंगली कट गई। उंगली कट गई। देखो इसका चल रहा है ना, ऐसे घुमा रहे हैं तो देखो ये चल रहा है। उस वाले का नहीं चल रहा, मेरे को लग रहा है उसकी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। क्वालिटी तो सही लग रही है, मजबूत सी लग रही है, इसका भी चल रहा है। ढक्कन नहीं दिया इसके? दिए ना सबके ढक्कन, ये देखो ये लगा ढक्कन। तो भाई साहब इसके सुंदर है, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, देख सकते हैं कितनी स्पीड से पिस रही है चीज, कैसे गड़ 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 करके। सही लगाया ना मैंने ये वाला? अच्छा मंगाया है। चलो अब दिखाते हैं सब चीजें। अरे मैया घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, वो दिखाओ जो नहीं घूम रहा। ये क्या टोपी है? इसे गैस के लिए ना? ये नहीं, किस टाइप? अच्छा इसके अंदर से आप पानी भी डाल सकते हो, आपको बार बार जो है ना ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुगाड़ तो अच्छा बनाया है। चलो ये माइक्रोवेव वाली छुरी भी दे दी मैंने इसमें। नहीं ये स्पैचुला है वो जो निकालने के लिए ना। यही गड़बड़ा है बस। नहीं इसको लगा के देखो सबसे पहले। इसके बारे में इसके रिव्यूज मैंने देख के बताया था कि सबसे पहले मैं आपको मेन क्या बोलेंगे नॉट गया इसको देखो, इसके ना ये ब्लेड्स को ये दे रखे हैं चॉपर्स के, मिक्सर ग्राइंडर ब्लेड्स हैं चॉपर के बड़े शार्प, तो उसको दूर रखा जाए। देखिए ये है मेन मिक्सर 1000 वॉट प्रेस्टीज। इसकी जो स्पेशलिटी जो इसकी बताई गई थी वो ये बताया गया था कि इसकी ये आवाज़ बहुत कम करता है, लेस नॉइस मेकर, और जल्दी हीटअप नहीं होता है, बहुत फास्ट करता है ये ग्राइंडिंग मिक्सिंग सब कुछ। तो अब हम होगा इसका लाइव टेस्ट। सिर्फ पावर में चलेगा ये? पावर का थोड़ी है, नॉर्मल प्लग है। नॉर्मल में लग जाएगा ना? लगाओ। नॉर्मल लगाऊं तो कुछ क्या पीस होगा इसमें? पहले आवाज चेक करेंगे ना कि डालने से आवाज बदल जाती है। नहीं और ये किस लिए डाल रखा है इन्होंने, ये दे रखा है? ये खांचा है। हां लगा के तो देखो इसमें लगता कैसे है। पहले सबसे पहले वो वाला खोलो चॉपर वाला। चलो ना सब इसके ही होंगे तो लग तो जाएंगे। क्वाइट गुड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी भाई साहब मेरे को कि मेरे काम की चीज़ है ये। इसको बोला जाता है कि ये लेस नॉइज मेकर है, तो ये हमने लगा तो दिया है। पैर पर रख के चला लूँ? कोई दिक्कत नहीं, वाइब्रेशन भी कम ही बता रहे थे। अरे उतनी तो तेज आवाज़ है। अरे यार चलने दो। पंखा खराब हो जाए तो काम कर सकते हैं इससे? हाँ पंखा तो काम कर रहा है इसका। यार पंखा खराब हो जाए तो घर में ही काम करेगा? खाली चलाना है तो इसके ब्लेड लगे हुए हैं। हाँ छोड़ दो खाली। हाँ छोड़ दो, छोड़ छोड़ दो, हटो। अब मैं प्याज में से चॉप क्या करूंगी, ऐसे ऐसे वाली चीज नहीं। लेकिन इतनी तेज आवाज क्यों कर रहा है यार? इस वाले में गड़बड़ लग रही है। वैसे घुमा या नहीं घुमा? घुमा तो था। तेजी से या नहीं? तेजी से, फुर्ती से। ये भाई सब फुर्तीला टाइट है ना। गजब भाई साहब, चटनी मेकर। ये मेजरमेंट क्या भाई? इसमें कुछ एमएल एमएल तो लिखा नहीं है। ये जूस के लिए है ना आपका? जूस तो यहाँ से निकल जाएगा। हाँ यार ये बात भी सही है। ये ऐसे क्यों दिया? ये क्या है? सील डब्बे में डालना पड़ेगा ये। इसका हैंडल आया क्या लगाने के लिए? नहीं कुछ नहीं आया। अरे आया होगा, जो भी आया सब आपके सामने है। जो भी आया सब आपके सामने है। तो कितने जार आए हैं इसमें बताओ जरा? 6 का वादा किया था, 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक चॉपर वाला मिला के 6। ये जूसर का भी काम करेगा और नॉर्मल जार का भी। अब गर्मी आ जाएंगी तो इसमें हम बना के पियेंगे मैंगो शेक। ये वो भी निकाल पाएगा कैरेट वगैरह का जूस? तो कल इसको हम कैरेट और बीटरूट के साथ ट्राई करेंगे। जूस कैसे निकालेगा ये? मेरे को लग रहा है सिट्रिक वाले फ्रूट्स के लिए ही है ये वाली चीज। नहीं सिट्रिक फ्रूट्स के लिए ये। अच्छा इसमें हर चीज का नहीं निकलेगा जूस? अच्छा। निकल भी सकता जारी तो दे रखी, निकल भी सकता है। हाँ बस उसको पीस के एकदम फाइन तो नहीं कर पाएगा। और कुछ? बस खत्म, बस खेला खत्म। ये मैंने खरीदा है प्रेस्टीज 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर अमेज़न से। अम्मा जान से खरीद लिया?
जी बहुत R&D करने के बाद खरीदा है मैंने ये, तो मुझे सबसे अच्छे ओपिनियन मतलब लोगों के रिव्यू इसी के बारे में मिले, तो मैंने ये ले लिया। और वैसे भी हमारे प्रेस्टीज की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रेस्टीज मेरे लिए एक रिलायबल ब्रांड है, तो मैंने ले लिया। कितने का पड़ा ये? हमको पड़ा 6000 समथिंग का, 6000 से ज़्यादा और 7000 से कम, कुछ बीच का है। कुछ बीच का डिस्काउंट वगैरह भी लग जाएगा टोटल मिला के, 600 रुपये डिस्काउंट लगा था, फिर भी 6000 प्लस ही पड़ा था। 6000 प्लस ही है ये। अच्छी चीज़ है, आप भी मंगा सकते हैं अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर आपको परेशान कर रहा है। अब निशु को तसल्ली हो जाएगी, निशु का मिक्सर जो है फ्री हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनका मिक्सर नॉडी के बर्थडे से ले रखा है। नॉडी के बर्थडे से एक दिन पहले से। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू।